नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाइसिकल पे। लोकेश बिष्ट, हमारे एक व्यूअर ने हमसे सवाल पूछा है, हर युग में यानी सत्य, क्रेता, दापर और कली युग में जो जो घटना घटित हुआ है, जैसे रामायण, महाभारत, सप्त ऋषियों का जन्म, क्या ये ऐसे ही आने वाले समय पे भी होगा? सवाल पढ़ने के बाद थोड़ा सोच में पड़ गए, कुछ धर्मग्रंथ का भी सहारा लिया। सच कहूं तो मुझे भी इस बारे में सटीक जानकारी नहीं थी। इसके बाद मैंने संपर्क किया मेरे गुरुदेव सुब्रत भाई से। मेरे सवाल का जवाब विस्तार पूर्वक मुझे मिला। लगभग 2 घंटे का समय लगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, कोशिश करेंगे सरल भाषा में कम वक्त पे पूरा जानकारी देने के लिए। ओम नमः शिवाय। लोकेश भाई, आपके सवाल के पहले जवाब दे दो। सत्य युग तब तक चलेगा जब तक संसार में धर्म का राज होगा। सत्य युग खत्म होगा जैसे कि हमारे वेद में लिखा है, उसी हिसाब से। इसका मतलब जो कोई भी हो, हमारा वेद परिवर्तन नहीं होगा, और जो बाकी रहा वो है पुराण, वो परिवर्तन हो सकता है, और भगवत गीता वो भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि दापर युग अंत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के लिए गीता का ज्ञान संसार को दिया था। और आपका दूसरा सवाल था कि सप्तऋषि सेम रहेंगे। इसके लिए सरलता से कहे तो, मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं, आप एक बिल्डिंग बनाए। पूरे बिल्डिंग बनाने के बाद आपने देखा बिल्डिंग के डिजाइन में कुछ खामियां हैं। इसके बाद आपने दूसरा बिल्डिंग का काम शुरू किया। क्या आप वही गलती दोबारा दोहराएंगे? इसका मतलब जब आप दूसरा बिल्डिंग बनाएंगे पहले वाले से बेहतर होगा। जैसे बिल्डिंग बनाने का फॉर्मूला तो एक ही रहता है, मगर डिजाइन चेंज होता रहता है, चाहे वो केदारनाथ धाम हो या बुर्ज खलीफा। इसी तरह चारों वेद तो एक ही रहेगा, गीता, बाइबल, कुरान शायद नहीं होगा, इसके जगह दूसरा कुछ आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कोशिश किए हैं सरलता पूर्वक आपको समझाने के लिए। लवकेश भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और लवकेश भाई, अगर आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। लवकेश भाई की तरह अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर आप सीधा हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, जरूर हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आप चाहते हैं हमें सपोर्ट करना तो डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का नंबर भी आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।